जीएस का कुछ हम डेमो स्टार्ट करवाए थे, आज उस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और पिछले क्लास का कुछ रिवीजन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और देखिएगा, पिछले क्लास में जैसा मैंने बताया कि भारत में जो पड़ोसी देश है वो कितने हैं, भारत में यूटी कितने हैं वो देखा था हम लोगों ने। तो यूटी की संख्या 8 थी और जिसे याद करने के लिए मैंने कोड दिया था जूली चलो दिल दो आप, और जो पड़ोसी देश है वो 7 है और उसे याद करने के लिए मैंने कहा था बचपन में MBA करो। और देखिएगा, ये वीडियो जो है वो आप लोगों को स्पेशली जो क्लासेस अभी इंस्टीट्यूट में नहीं चल रहे हैं उनके बदले यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन क्लास दिए जा रहे हैं, ताकि जिनका भी क्लासेस छूटा है या कोई अगर न्यू ज्वाइन करने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी हम लोग नए वीडियो डालेंगे वो आप तक जरूर से जरूर पहुंचे और आप लोग का जितना भी क्लास रुका हुआ है वो आगे की ओर आप लोग बढ़ाने का काम कर सके। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि यूटी कितने, 8, राज्यों की संख्या कितनी, अब देखिएगा हमारे भारत में राज्यों की संख्या 28 मैंने बताई थी, यूटी बताया था मैंने 8, जो पहले देखिएगा आपका जो 31 अक्टूबर से पहले आपका 7 था, 31 अक्टूबर के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो नई यूटी बने उसका दिन की संख्या 9 देखने को मिली। उसके बाद देखिएगा आपका जो 3 दिसंबर 2019 को इनकी संख्या फिर से प्रावधान लाया गया कि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को एक में मर्ज कर दिया जाएगा, और फाइनली देखिएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इसे फाइनली आपका डिक्लेयर कर दिया गया कि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली दोनों मर्ज हो गए हैं और इनकी राजधानी दमन आपका निर्धारित किया गया। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा पड़ोसी देश कौन सा भारत के राज्यों के साथ या भारत की सीमा के साथ अपना सीमा साझा करती है और सबसे कम कौन करती है, तो सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि बांग्लादेश करती है सीमा साझा, और सबसे कम अफगानिस्तान करने का काम करती है, कौन करती है, अफगानिस्तान करने का काम करती है। और पड़ोसी देश जो है वो मैंने 7 बताए थे और उसे याद करने के लिए मैंने कोट कहा था बचपन में MBA करो, तो ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान देखने को मिलता है। तो सबसे आगे बांग्लादेश है और सबसे पीछे जो है अफगानिस्तान देखने को मिलता है, पड़ोसी देश ये थे। और यूटी को याद करने के लिए कोड था जूली चलो दिल दो आप, तो ज से जम्मू एंड कश्मीर, ल से लद्दाख, च से चंडीगढ़, ल से हमारा लक्षद्वीप था, उसके बाद देखिएगा द से है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, अ से अंडमान निकोबार और प से पुदुचेरी, मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया था। तो चलिए आज क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पूरा मेजरमेंट के बारे में, थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे मेजरमेंट पे कि हमारे भारत का जो मेजरमेंट है वो वर्ल्ड पे क्या देखने को मिलता है, वर्ल्ड पे कितने प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इसका जो मेजरमेंट है वो कितना देखने को मिलता है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, वेस्ट बिंदु है और आपका ईस्ट जो बिंदु है वो कौन सा है, इसका डिग्री और मिनट में मेजरमेंट कितना देखने को मिलता है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका परसेंटेज क्या है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा भारत में जनसंख्या का परसेंटेज कितना देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम वर्ल्ड पे फोकस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम कौन सी रेखा करती है, तो देखिएगा इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा देखने को मिलता है। ये आपको क्या करती है, ये वर्ल्ड को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले भाग को साउथ हेमिस्फीयर हम लोग कह सकते हैं। विषुवत रेखा जिसे हम लोग भू मध्य रेखा कहते हैं और इसे ही हम लोग इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका 0 डिग्री देखने को मिलता है, कितना मेजरमेंट है, 0 डिग्री। तो विषुवत रेखा वैसी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोले तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोले तो साउथ हेमिस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और देखिएगा विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा और इक्वेटर लाइन के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं अब
अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी पर कितने प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, तो देखिएगा हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। बहुत लोगों का आंसर तीन होगा, क्यों? तो चलिए हम पहले क्लियर करते हैं कि दो और तीन जो बोलते हैं उसमें अंतर क्या। तो मेरे हिसाब से काल्पनिक रेखाएं दो है, वो कौन कौन सी है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है अक्षांश, क्या है? अक्षांश, जिसे हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो रेखा है वो है हमारा देशांतर, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये दो ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींचने का काम की जाती है, यही दो प्रकार की, पहला अक्षांश, दूसरा देशांतर। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर तीन प्रकार की काल्पनिक रेखाएं माने खींची जाती है, पहला कर्क रेखा, उसके बाद विषुवत रेखा, उसके बाद मकर रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा है वो किसका उदाहरण? तो अक्षांश का ही उदाहरण देखने को मिलता है, तो वो आंसर आपका नहीं होगा। तो हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार की काल्पनिक रेखा है? तो दो प्रकार की, पहला आपका अक्षांश और दूसरा देशांतर देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर का मतलब क्या होता है, और इसमें जो कंफ्यूजन है, हमेशा लोग आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूजन करते हैं कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में दे दिया तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, तो उस चीज को मैं क्लियर करवाती हूँ आपको। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, सबसे पहले जानते हैं अक्षांश लैटिट्यूड के बारे में। वैसी रेखाएं जो वेस्ट टू ईस्ट खींची जाए उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं, ठीक है? तो देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये ठीक है, ये आपको कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। तो क्या ये वेस्ट टू ईस्ट खींची जा रही है कि नहीं खींची जा रही है, ठीक है? अब देखिएगा, ये विषुवत रेखा के ऊपर जाए तो इसे हम लोग उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। किस अक्षांश के नाम से? उत्तरी अक्षांश, या नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये हुआ आपका उत्तरी अक्षांश। तो विषुवत रेखा के ऊपर जितने भी अक्षांश रेखा खींची गई है उसे हम लोग अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे विषुवत रेखा के नीचे जितनी भी अक्षांश रेखा खींची गई है उसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो फिर से ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा के ऊपर बोले तो जितनी भी रेखाएं खींची गई अक्षांश रेखाएं उसे हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा, और विषुवत रेखा के जितने भी नीचे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब आते हैं अक्षांश की संख्या कितनी देखने को मिलती है, और देखिएगा हम क्या बोले अक्षांश किसे कहते हैं, लैटिट्यूड को। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा खींची गई है क्या वो लेटी हुई है कि नहीं, सोई हुई है कि नहीं, तो वो आपका हो गया लैटिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, वैसी रेखा है जो लेटी हुई है वो हमारा हो गया लैटिट्यूड, ठीक है? तो अक्षांश को ही हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, वैसी रेखाएं जो आपकी लेटी हुई है उसे हम लोग लैटिट्यूड रेखा या लैटिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसकी संख्या कितनी है। तो विषुवत रेखा के ऊपर जाए तो इसकी संख्या 90 देखने को मिलती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं कि उत्तरी अक्षांश में अक्षांशों की संख्या कितनी? 90। उत्तरी अक्षांश में अक्षांशों की संख्या कितनी? 90। और दक्षिणी अक्षांश में या माने दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी? तो ये भी आपका 90 देखने को मिलता है। तो दक्षिणी अक्षांश में अक्षांशों की संख्या कितनी? 90। या दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी? 90 देखने को मिलता है। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी? 90। या उत्तरी अक्षांश में अक्षांशों की संख्या कितनी देखने को मिलती है? तो देखिएगा, ऊपर नीचे दोनों ही आपका 90 देखने को या 90 देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्षांशों की संख्या कितनी, तो ये आपका 180 देखने को मिलेगा। अक्षांशों की संख्या कितनी? 180। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कुल अक्षांश कितने, तो ये आपका 181 देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ अक्षांश पूछे तो 180, लेकिन कुल अक्षांश बोल दे तो वो आपका 181 देखने को मिलेगा। इसमें आपका विषुवत रेखा भी ऐड हो जाएगा। तो अक्षांश कितने? 180। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को मिला के 90-90 करके आपका हो गया 180। और कुल अक्षांश में ये 90 माने उत्तरी अक्षांश 90, दक्षिणी अक्षांश 90 और विषुवत रेखा को ऐड करके ये आपका 181 देखने को मिलता है। अब आते हैं कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में।
तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कर्क रेखा किस गोलार्ध या किस अक्षांश में देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो कर्क रेखा है वो आपका उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा जो हमारा कर्क रेखा है वो उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो क्या कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला कि नहीं? तो ये जो डॉटेड लाइन दे रही हूं मैं, ये आपका है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा, जिसे हम लोग कैंसर लाइन भी कहते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा। और वहां पे हमेशा नॉर्थ जरूर बोलिएगा, क्यों ये भी मैं बताऊंगी। तो कर्क रेखा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कैंसर लाइन। और इसका मेजरमेंट 23.5 डिग्री नॉर्थ, या इसे हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आते हैं मकर रेखा के बारे में। तो हमारा मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश में देखने को मिलता है। तो कर्क रेखा किस अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश। किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा हमारा दक्षिणी गोलार्ध, या इसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश भी कह सकते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो हमारा मेजरमेंट हुआ ये हमारा हुआ मकर रेखा का। किसका? मकर रेखा। और इसे हम लोग कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो भी आपका 23.5 डिग्री साउथ देखने को मिलता है। तो हम क्या बोले कि नॉर्थ इसे क्यों बोलना है? तो देखिएगा मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों का ही मेजरमेंट 23.5 डिग्री देखने को मिलता है। तो हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कर्क रेखा और कौन सा मकर रेखा? तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा आपका उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए, या उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलता है इसलिए इसे हम लोग कर्क रेखा का मेजरमेंट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और मकर रेखा हमारा दक्षिणी अक्षांश में है इसलिए इसे हम लोग मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इंडिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके हम दोनों का सही मेजरमेंट हम बता पाएंगे। अगर हम सिर्फ 23.5 डिग्री लिख के छोड़ देंगे तो हमें ये मालूम नहीं होगा कि वो मकर रेखा का मेजरमेंट है या कर्क रेखा का मेजरमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा का मेजरमेंट क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 23.5 डिग्री नॉर्थ भी बोल सकते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड बोल सकते हैं। और मकर रेखा का मेजरमेंट 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या साउथ लैटिट्यूड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये था हमारा अक्षांश के बारे में। और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किसका उदाहरण? तो अक्षांश का देखने को मिलता है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसका उदाहरण? तो अक्षांश का देखने को मिलता है। कर्क रेखा का मेजरमेंट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। मकर रेखा का उदाहरण, माने मकर रेखा का मेजरमेंट 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और विषुवत रेखा का मेजरमेंट 0 डिग्री देखने को मिलता है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या बोल सकते हैं विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, या इसे हम लोग इक्वेटर लाइन के भी नाम से जानते हैं। अब आते हैं देशांतर के बारे में। तो अक्षांश वैसी रेखा है जो वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची जाती है, जो लेटी हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन देशांतर की अगर बात करें, लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, तो देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड। तो देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है, यहां से लेके ऐसे, फिर ये, फिर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला कि नहीं मिला? तो वैसी रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाए उसे हम लोग देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं। तो क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस तय कर रहा है कि नहीं? पूरे साउथ से, माने नॉर्थ से साउथ की ओर डिस्टेंस तय कर रहा है कि नहीं? तो वैसी रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा के नाम से जानते हैं। जो दूर डिस्टेंस तय करे जी, जो लॉन्ग डिस्टेंस तय करे वो हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, और उसे ही हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद से आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वैसी रेखाएं जो लेटी हुई है उसे हम लोग अक्षांश या लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, और वैसी रेखाएं जो दूर डिस्टेंस तय करे या लॉन्ग डिस्टेंस तय करे उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट हुआ कि नहीं। तो क्या इस देशांतर को हम लोग पूर्वी देशांतर और
इस देशांतर को हम लोग जो वेस्ट की ओर है, क्या इसे हम लोग पश्चिमी देशांतर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग ईस्ट लॉन्गिट्यूड और इस माने ये जो वेस्ट की ओर देशांतर देखने को मिलता है इसे हम लोग वेस्ट लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इसकी संख्या कितनी है। तो पूर्वी देशांतर में देशांतर की संख्या 180 देखने को मिलती है और देखिए पश्चिमी देशांतर में देशांतर की संख्या 180 ही देखने को मिलती है। ठीक है, 180 देखने को मिलती है। तो देशांतर की संख्या कितनी, तो देशांतर की संख्या 360 देखने को मिलेगी और कुल देशांतर की संख्या भी 360 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देशांतर की संख्या कितनी, 360, कुल देशांतर की संख्या कितनी, 360, अक्षांश की संख्या कितनी, 180 और कुल अक्षांश की संख्या भी कितनी देखने को मिलती है, 180 ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार रिविजन करते हैं, वैसी रेखा है लैटिट्यूड माने वैसी रेखा है जो वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची जाए उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों की संख्या 180, कुल अक्षांश कितने, 181। देशांतर की संख्या कितनी माने कैसे खींची जाती है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती है। देशांतर की संख्या 360 और कुल देशांतर कितने हैं, 360 ही देखने को मिलते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस अक्षांश माने किसका उदाहरण है, तो वो आपका अक्षांश या लैटिट्यूड का उदाहरण देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि पूरे पृथ्वी में हमारा भारत किस गोलार्ध में है, किस अक्षांश में है, किस रेखा पे देखने को मिलता है, इसका पूरे पृथ्वी पर कितने वो वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, इसका परसेंटेज कितना देखने को मिलता है, इसके बारे में फोकस करेंगे। और उसके बाद देखिए भारत के दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि भाई कौन सी रेखा है जो भारत को, ध्यान दीजिएगा, वो कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, तो वो रेखा कर्क रेखा देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, क्यों, क्योंकि कर्क रेखा हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलेगा। अब पूछा जाए किस देशांतर में देखने को मिलता है, तो हमारा भारत पूर्वी देशांतर में देखने को मिलेगा। किस देशांतर में, पूर्वी देशांतर। किस अक्षांश में देखने को मिलेगा, तो उत्तरी अक्षांश। तो तीन बातों पे ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। किस अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। किस देशांतर में या किस लॉन्गिट्यूड में, तो ये हमारा पूर्वी देशांतर में देखने को मिलता है। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम अपने भारत को वहां पे इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा भारत हो गया। अब पूछा जाएगा कि पूरे पृथ्वी पर हमारा भारत कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो पूरे पृथ्वी पर हमारा जो भारत है वो आपका 32,87,263 किलोमीटर माने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पूरे पृथ्वी पर हमारा भारत कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 32,87,263। कोई जरूरत नहीं है जी सैकड़ा, हजार, सौ, लाख ये सब बोलने का, सीधा बोलिएगा 32,87,263। कितना बोलेंगे, 32,87,263 देखने को मिलता है। तो हमारा भारत पूरे पृथ्वी पर कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 32,87,263। फिर से बोलिएगा 32,87,263। मैं पहले क्लास में बोल चुकी हूँ कि बोलना आप लोग को बहुत जरूरी है। देखिए बच्चे को कभी भी अगर कुछ नए जो बच्चे हैं अभी जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं उन लोगों को याद कराने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं जी, कि बाबू आप लिखो भी और साथ में बोलो भी, क्योंकि बोलने से आपके माइंड पे बैठेगा। तो जब हम वो आइडिया हम अपने बच्चे पे अपना सकते हैं तो क्या हम खुद पे नहीं अपना सकते, तो वो आइडिया खुद पे भी अपनाइए ताकि इतने व्यस्त भरे जिंदगी में हम ये सब चीज को भी जो हमारे जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस चीज को हम पा सके। तो जैसे बच्चा हमेशा लिखते के साथ बोलता है वैसे ही आप लोग भी जब मैं पढ़ाती हूँ या जब मेरा आप क्लास देखें तो मेरे साथ जो मैं बोलती हूँ उसे आप उस मेरे साथ भी बोलने का काम कीजिए। तो फिर से देखते हैं पूरे पृथ्वी पर हमारा भारत कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। और परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 2.43% में फैला हुआ है। तो पूरे पृथ्वी पर हमारा भारत कितने परसेंटेज पे, तो 2.43% पे फैला हुआ है। इसको याद करना आसान है जी, क्योंकि लगभग जो हमारा झारखंड है
हमारा झारखंड भी 2. अप्रोक्स आपका बोल सकते हैं आसपास में 2.42% पे फैला हुआ है। तो क्या हम अपने झारखंड के बारे में जान गए, पूरे भारत के बारे में जान गए कि नहीं, कि उसका पृथ्वी पर कितने परसेंटेज में फैला हुआ है? तो भारत 2.43% और पूरे भारत में झारखंड हमारा 2.42% पे फैला हुआ है। तो हम अपने झारखंड को याद कर करके हम अपने भारत के बारे में भी याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि पूरे वर्ल्ड में हमारा पृथ्वी का कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो हमारा भारत का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलता है। तो फिर से देखते हैं, हमारा भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी रेखा उसे दो बराबर भाग में बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है। किस देशांतर में? तो पूर्वी देशांतर में। किस अक्षांश में? तो उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलता है। और हमारा भारत पूरे पृथ्वी पर 32,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसका जो परसेंटेज है वो 2.43% देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि भारत के दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा की दूरी कितनी। तो क्या हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है कि नहीं? यहां से विषुवत रेखा की जो दूरी है, ये जो एरिया कवर करता है, इसका जो डिस्टेंस है वो है 8.76 किलोमीटर। कितना है? 8.76 किलोमीटर देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? फिर से एक बार देखते हैं कि भारत के दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा की दूरी कितनी, तो वो है आपका 8.76 किलोमीटर देखने को मिलता है। याद करना आसान है जी, सबसे बड़ा कौन? 8। 8 से कम कौन? 7। 7 से कम कौन? 6। तो 8.76 किलोमीटर देखने को मिला। कभी भी आप भूल गए कि अरे मेजरमेंट क्या था, पहला तो आपका जो संख्या वो तो याद है लेकिन उसके बाद क्या था, तो हमेशा एक एक करके उसको तीन माने दो बार घटा दीजिए। तो 8 से कम कौन? 7। 7 से कम कौन? 6। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा की दूरी कितनी? 8.76 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, ये तो हमारे भारत पूरे माने वर्ल्ड पे, पूरे पृथ्वी पे हमारा भारत का मेजरमेंट देखे। अब हम रुख करते हैं भारत की ओर। अब देखते हैं कि हमारा भारत का मेजरमेंट उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, ये कितने डिग्री कितने मिनट पे फैला हुआ है, उत्तरी बिंदु कौन, दक्षिणी बिंदु कौन, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु कौन, उसका देखिएगा इसके तट रेखा की लंबाई कितनी है, सबसे ज्यादा तट रेखा लंबा किस राज्य का देखने को मिलता है, थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी देखने को मिलती है, हमारा भारत कितने और सागर से फैला हुआ है, और भी बहुत सारी बातें हैं। हम अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भारत और भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो हमारे भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये है हमारा 32.14 किलोमीटर। कितना है? 32.14 किलोमीटर। मैंने पहले ही कह दिया, कोई जरूरत नहीं है 3,214 किलोमीटर बोलने का, सीधा बोलना है 32.14 किलोमीटर। जैसे मैंने कहा था 32,283, वैसे ही हमारे उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 32.14 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 32.14 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट की लंबाई, वेस्ट टू ईस्ट की लंबाई आपका 29.33 किलोमीटर देखने को मिलता है। कितना है? 29.33 किलोमीटर। तो नॉर्थ टू साउथ की लंबाई 32.14, वेस्ट टू ईस्ट की लंबाई 29.33 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार हमारा भारत का जो जनसंख्या का जो परसेंटेज था वो था 16.7%। कितना है? 16.7%। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का परसेंटेज कितना? 16.7%। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार इसका परसेंट 17.5% देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि कितने तेजी से हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, और कहा जा रहा है कि 2025 के बाद हमारा जो भारत है वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में। तो देखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार 16.7 और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा भारत का जनसंख्या का परसेंटेज 17.5% देखने को मिलता है। तो फिर से बैक होते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32.14, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 29.33 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, भारत का उत्तर बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु कौन? तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौन, क्या है?
वो आपका इंदिरा कॉल देखने को मिलता है, ठीक है, जो आपका लद्दाख में, कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन, इंदिरा कॉल, जो कहाँ है, लद्दाख में देखने को मिलता है। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, क्या है जी, इंदिरा पॉइंट। लेकिन क्या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, 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 लेकिन आज जाके पता चला कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल, और वो कहाँ है, तो निकोबार में, और निकोबार में कहाँ, तो ग्रेट निकोबार में। तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने पिछले क्लास में बताया कि नहीं कि जो अंडमान निकोबार है वो भी हमारा भारत का ही पार्ट देखने को मिलता है, इसलिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका निकोबार को मैंने डिसाइड किया गया है, और वो आपका इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या, पिग मिलियन पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में, कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल लद्दाख में, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, और ये कहाँ है, तो निकोबार में, और निकोबार में कहाँ, तो ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है आपका गोर मोता, क्या है, गोर मोता। तो भारत का पश्चिमी बिंदु कौन, गोर मोता, जो आपको गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में देखने को मिलता है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु कौन, गोर मोता, किस स्टेट में, गुजरात में। और भारत का पूर्वी बिंदु कौन, तो वो है आपका किबिथू, क्या है, किबिथू, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु कौन, गोर मोता, गुजरात में, और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन, किबिथू, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो फिर से एक बार याद करते हैं, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, भारत का पश्चिमी बिंदु गोर मोता गुजरात में, और भारत का पश्चिमतम बिंदु किबिथू, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन, तो वो आपका कन्याकुमारी होगा जी, क्या होगा, कन्याकुमारी देखने को मिलता है, जिसका दूसरा नाम कैप केमोरिन भी है, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन, कन्याकुमारी, जिसे हम लोग कैप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या दोनों क्वेश्चन में अंतर हुआ कि नहीं, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन और भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन, तो अगर बिना मुख्य भूमि के पूछे तो वो आपका इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य भूमि के साथ पूछे कि भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन, तो आपका कन्याकुमारी। तो बोले तो भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन, कन्याकुमारी, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, तो इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और ये ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है। तो फिर से एक बार देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, 3214 किलोमीटर, भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी, तो 2933 किलोमीटर, भारत का उत्तरी बिंदु कौन, इंदिरा कॉल, जो आपका लद्दाख में देखने को मिलता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन, इंदिरा पॉइंट, जो आपको पिग्मिलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, ये ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन, तो कन्याकुमारी, जिसे हम लोग कैप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन, गोर मोता, और कैप केमोरिन जो कन्याकुमारी है वो आपका तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु गोर मोता जो आपका गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु किबिथू जो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम का मेजरमेंट है। अब इस मेजरमेंट को हम लोग डिग्री और मिनट में याद करेंगे कि कितने डिग्री मिनट में वो फैला हुआ है। और देखिएगा जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट, कितने में, 6 डिग्री 4 मिनट, और कन्याकुमारी की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पे फैला हुआ है। तो इंदिरा पॉइंट कितने मिनट पे, तो 6 डिग्री 4 मिनट, और कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल है वो 37 डिग्री 6 मिनट, कितना पे, 37 डिग्री 6 मिनट,
और उसके बाद जो गुजरात में गोर्म होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो किबूफू है वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट में देखने को फैला हुआ देखने को मिलता है। और ये जो मेजरमेंट निकाला जाता है किसके द्वारा, तो ये मेजरमेंट अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही निकाला जाता है। और अक्षांश और देशांतर का जो मेन कार्य है वो है आपका किसी भी देश का मैंने मेजरमेंट निकालना कि वो अक्षांश और देशांतर के मुकाबले वो कितने डिग्री और कितने मिनट पे फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा हमारा भारत का जो उत्तरी बिंदु का जो मेजरमेंट है इंदिरा कॉल वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट का 6 डिग्री 4 मिनट, वेस्ट का गोरमोता का 68 डिग्री 7 मिनट, और जो किबूथू है उसका है 97 डिग्री 25 मिनट देखने को मिलता है। और सबसे मैंने बोलते हैं लोग कि ये मेजरमेंट हमें याद नहीं होता, तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, उससे याद करना आपको बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और कभी भी घड़ी चलता है तो कैसे चलता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा घड़ी जो चलता है वो क्लॉकवाइज, लेकिन हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे, तो जितना भी मेजरमेंट मैंने बताया डिग्री मिनट में उसका लास्ट डिजिट पकड़ेंगे, तो जो दक्षिण में उसका दोनों कन्याकुमारी बोले चाहे इंदिरा पॉइंट बोले दोनों के अंतिम में क्या 4 दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। उसके बाद अगर हम उल्टा चले मैंने साउथ से ईस्ट, ईस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ, तो देखिएगा हर डिजिट में आगे एक एक बढ़ते जा रहा है। तो लास्ट में 4 है तो आपका ईस्ट में 5 हो गया, 5 के बाद ऊपर 6 हो गया, और 6 के बाद 7 देखने को मिलता है। तो हम कैसे जाएंगे, तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज में हम जाएंगे कि दक्षिणतम बिंदु में लास्ट डिजिट 4 है, उत्तरी सॉरी ईस्ट में फिर आपका 5 डिग्री है लास्ट में, उसके बाद 6 डिग्री और इधर 7 डिग्री देखने को मिलता है। वैसे भी अगर याद ना करें नहीं होता है तो आप अल्टरनेट देखिए, नॉर्थ साउथ का इधर 4 है तो 4 का अल्टरनेट ऊपर क्या गया है 6 गया है, अगर ईस्ट में 5 है तो इधर आपका अल्टरनेट 7 गया है। और देखिए अगर एक भी मेजरमेंट आप पकड़ लेते हैं तो आप पूरा मेजरमेंट आराम से याद करेंगे। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है इस दोनों में होता है, अगर आपको 8 डिग्री 4 मिनट मालूम है और ये मालूम है कि ये 5 वाला जो मेजरमेंट है वो आपका ईस्ट में होगा, तो इसके बदले हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट है, तो देखिएगा 9 का उल्टा कौन 6 होगा, 7 से बड़ा कौन 8, और 5 दो कितना होता है जी 7 देखने को मिलता है। तो फिर से एक बार देखते हैं, सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे लास्ट डिजिट को पकड़ के, इधर 4 है तो 5 है, फिर 6 है और 7 है, फिर अल्टरनेट देखेंगे तो 4 का अल्टरनेट उल्टा 6 और 5 का अल्टरनेट 7 देखने को मिल रहा है। ये दोनों अगर याद है और ये भी याद है तो इसके मुकाबले हम ये याद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो 5 का डिजिट है वो हमेशा ईस्ट में बैठेगा, उसे वेस्ट में ना बैठा है। तो अगर 97 डिग्री 25 मिनट आपको याद है तो 9 का उल्टा क्या हो गया 6, 7 से बड़ा क्या हो गया 8, और 5 को कितना होता है 7 देखने को मिलता है। तो ये आपका हुआ डिग्री और मिनट में मेजरमेंट देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि भारत का जो तट एरिया है उसकी लंबाई कितनी देखने को मिलती है। तो देखिएगा यहां से लेके पूरा यहां तक इसकी जो लंबाई है वो आपका 6100 किलोमीटर है, कितना है 6100 किलोमीटर देखने को मिलता है। लेकिन एक और मेजरमेंट देखने को मिलता है वो है आपका 7516.60 किलोमीटर। तो देखिएगा ये जो मेजरमेंट 6100 बताया गया है वो भारत के मुख्य भूमि का जो तट लंबाई है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन जो 7516.60 है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के तट एरिया को लेके बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा अगर भारत के कुल तटीय एरिया की लंबाई पूछे तो वो आपका 7516 होगा, लेकिन सिर्फ आपसे पूछे कि भारत के मुख्य भूमि के तट एरिया की लंबाई कितनी है तो वो आपका 6100। तो ये आपका हो गया मुख्य भूमि, और ये आपका हो गया कुल तटीय लंबाई या एरिया की लंबाई, कुल तट क्षेत्र की लंबाई कितना है 7516.60, लेकिन मुख्य भूमि के तट एरिया की लंबाई आपका 6100 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो दोनों में कंफ्यूजन दूर करें, मुख्य भूमि के तट एरिया की लंबाई कितनी 6100, लेकिन कुल तट एरिया की लंबाई बोले तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को लेके चलेंगे, और इसका मेजरमेंट 7516.60 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो ये था तट रेखा की लंबाई, लेकिन अगर हम स्थल रेखा की लंबाई बोले तो मैंने यहां से लेके पूरा ऊपर एरिया यहां तक, तो इसका जो मेजरमेंट है
ये जो आप देख रहे हैं इसका मेजरमेंट आपका 15,200 किलोमीटर देखने को मिलता है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो तट एरिया की लंबाई कितनी? मुख्य भूमि में 6,100। कुल तट एरिया की लंबाई कितनी? 76.60। लेकिन स्थल एरिया की लंबाई कितनी? तो 15,200 किलोमीटर देखने को मिलता है। क्या है? स्थल भाग की लंबाई। स्थल भाग की लंबाई कितनी? तो आपका 15,200 किलोमीटर देखने को मिलता है। फिर से एक बार देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 3214। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी? 2933 किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जिसे हम लोग कैप कैमोरिन भी कहते हैं तमिलनाडु में है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गोरमोता जो गुजरात में है, और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो आपका है किबूथू जो आपका अरुणाचल प्रदेश में। डिग्री और मेजरमेंट की माने मिनट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट का जो मेजरमेंट है 6 डिग्री 4 मिनट, लेकिन मुख्य भूमि में जो कन्याकुमारी है उसका मेजरमेंट 8 डिग्री 4 मिनट है। उत्तरी बिंदु 97 डिग्री 6 मिनट, पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, और जो पश्चिम पूर्वी बिंदु है वो 97 डिग्री 25 या 25 मिनट देखने को मिलता है। तो ये था मेजरमेंट आपका कि हमारे पृथ्वी पर भारत का मेजरमेंट कितना, 3287263 किलोमीटर। परसेंटेज बोले तो 2.43%। जनसंख्या के अनुसार 2001 में हमारा भारत का जो जनगणना हुआ था जनसंख्या कितनी थी परसेंटेज में, तो 16.7%। 2011 के अनुसार ये कितना है, 17.5% देखने को मिलता है। भारत के स्थल भाग की लंबाई कितनी, तो 15,200 किलोमीटर, लेकिन तट रेखा की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आपका 6,100 किलोमीटर, लेकिन कुल तट एरिया की लंबाई बोले तो भारत का और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार ये सबको लेके इसका मेजरमेंट है 76.60 देखने को मिलता है। हमारा भारत तीन और जल से घिरा हुआ, एक है आपका अरब सागर, उसके बाद है इंडियन ओशियन, और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। आप हमें बताइए कि इन दोनों को सागर और इसे बंगाल की खाड़ी के नाम से क्यों जानते हैं? ये भी तो हमारा सागर का भाग है जी, तो इन दोनों को सागर और इसे हम लोग बंगाल की खाड़ी आखिर क्यों कहते हैं? तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन कि ये दोनों को सागर और बे ऑफ बंगाल को बंगाल की खाड़ी के नाम से क्यों जानते हैं, ये आप लोग का रहा नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे कि आखिर इन दोनों को सागर और इसे हम बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं। और ये रहा हमारा भारत का पूरा मेजरमेंट, इसे जरूर देख लें, जरूर इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं फिर से बोल रही हूँ कि बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जितने भी वीडियो आप लोग माने हम लोग की तरफ से आप लोग को डाले जाएं जो आप घर में बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ओके।